ये मकसद यही है कि ये अगर सिख धर्म का जो हमारा इतिहास है ये सभी धर्मों तक आना चाहिए। असल में ये इंसानियत का पैगाम सब तक लाने के लिए हमारी कोशिश है, क्योंकि इसमें ये नहीं कोई हिंदू है, मुसलमान है, धर्म है या कोई किसी दूसरे जाति का मानने वाला है। अभी देखोगे जो ये फिल्म चल रही है इसमें हर धर्म के हमारे बच्चे अंदर बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट इंजॉय कर रहे हैं और असल इतिहास के बारे में जो जानकारी है उनको मिल रही है। और हमें ये खुशी इसलिए महसूस हो रही है कि हम अपने धर्म से ऊपर उठ के जो बाकी धर्म के हमारे बच्चे हैं, हमारे धर्म को मान रिस्पेक्ट करते हैं, उनको ये पता चले कि जो जुल्म है, क्योंकि अदीब बड़ा अच्छा बोलते हैं जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, तो जुल्म को रोकने के लिए सच्चाई पे उस पर सच्चाई पे खड़े होने के लिए कोई संसार में कम होते हैं। जिस जैसे 7 साल और 9 साल के बच्चों को जिन्होंने ये कहा था कि अपना हम धर्म नहीं छोड़ सकते, कि वो आपको अपना धर्म मुबारक, हमें अपना धर्म मुबारक। गुरु नानक साहब जी को जब 9 साल की उम्र में उनको जनेऊ डाला गया, उन्होंने कहा मैं जनेऊ नहीं डालूंगा। जब 9वें गुरु को उनके वक़्त ज़बरदस्ती वो जनेऊ को उतारने की बात आती है तो फिर वे कहते हैं नहीं, ज़बरदस्ती ना हम पहन सकते हैं, ना ज़बरदस्ती कोई किसी का जनेऊ उतार सकता है। तो ये हमारा एक ऐसा पैगाम हमारे गुरु साहबान हमें दे गए हैं कि एक पिता एक की हम भारत तू मेरा गुरहाई, उसी पैगाम को लेके जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी आगे चल रही है, क्योंकि लोगों ने हमें इलेक्ट करके भेजा है और हमारा फर्ज बन जाता है कि जो अपना हमारा फर्ज है उसको निभाए। और अगला जो प्रोग्राम है जो 29 तारीख वाला अभिनव थिएटर में, ये मूवी वहाँ पे भी आर्ट एंड कल्चर जो हमारा अभिनव थिएटर है वहाँ पे ये और 27 को जो सम्पोजियम है वो परेड ग्राउंड में परेड कॉलेज में 10:30 बजे उधर होगा, 29 को शाम को 4 बजे। और अपील भी करते हैं सब जो देख रहे हैं उनको अपील करते हैं मैक्सिमम अपने बच्चों को लेके 29 तारीख का जो विशेष प्रोग्राम जो हमारा अभिनव थिएटर में वहाँ पे पहुँचे और आपको इतिहास के बारे पूरी जानकारी हो सके। थैंक यू सर। बताएंगे आज जो चार साहब जो मैं वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटी और मेरे साथ सरदार सुरजीत सिंह जी जनरल सेक्रेटरी डीजीपीसी जम्मू। आज सारी ही हमारी जैसे आप समझते हो कि पूरे वर्ल्ड वाइड सफेद छात्र का दिन मनाया जाता है, 21 से लेकर 26 या 27 तारीख तक मनाया जाता है। ये डेडिकेट किया जाता है जो चार साहबजादे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के इन दिनों में शहीद हुए थे सारे, उन्हीं को डेडिकेट किया गया है। तो मैं ये फिर एक बार मेंशन करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को अनाउंस किया था। इनकी शहादत को देखते हुए जो ग्रेट सेक्रीफाइस इन्होंने 7 साल और 9 साल की उम्र में की, दुनिया में ऐसी शहादत का कहीं मिसाल नहीं मिलती। तो उन्होंने ये समझा कि ऐसा इतिहास, ऐसा गौरवमय इतिहास भारत का बच्चों के तक जाना चाहिए, स्कूल के करिकुलम में होना चाहिए, हर बच्चे तक अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहने के लिए। इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। जो जुल्म तशद्दुद के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी, जो फोर्सिबल कन्वर्शन के खिलाफ ये बोले, तो उस वक्त इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए सरकार ने भी ये फैसला किया और डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये इस वक्त फैसला किया कि क्यों ना इसको हर जगह जगह पहुँचाने तक, खास करके नौजवानों में। तो हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये करने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कमिश्नर सेक्रेटरी लोक कुमार जी का, डायरेक्टर कॉलेजेस का, प्रिंसिपल
मोमिन कारे गांधीनगर का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और आज यहाँ अंदर मूवी चल रही है चार साहबजादे। चार साहबजादे मूवी में एक वो दृश्य बताए गए हैं उस वक्त के, कैसे कैसे जो वजीर खान सुभाष रंधावा उसकी तरफ से तशद्दुद किया गया, और तशद्दुद को सहन करते हुए भी उसके बावजूद बच्चों ने अपनी कन्वर्शन नहीं होने दी, अपना मज़हब नहीं छोड़ा, उन्होंने मौत को गले लगाया। और ये बहुत बड़ी शहादत, आज ये मैसेज घर घर तक पहुँचे, तभी हमने वहाँ वोमन कॉलोनी में ये एक मूवी दिखाने का काम किया है। वो मूवी चल रही है अंदर। तो अब मैं हमारे जो सकत्तर साहब हैं ये भी आपको जरूर एड्रेस करेंगे इस इशू पर, आज के इशू पर जो आज